वेज मंचूरियन बनाते ना तो सब्जी वगैरह काटने में बहुत समय निकल जाता है, लेकिन ये ना वेज मंचूरियन का भाई गोभी मंचूरियन है। जी हाँ, फुल गोभी मंचूरियन हम बना रहे हैं, बहुत सुपर 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 क्रिस्पी बन जाता है। चलिए मैं आपको इसका क्रिस्पी दिखाते हुए, देखिए कैसे आवाज़ आ रही है, और थाली में भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आवाज़ आ रही है इसकी। सुपर 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 क्रिस्पी बन जाता है और टेस्टी भी बन जाता है, और मैंने ना बहुत फटाफट बनकर तैयार होता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है ये रेसिपी में। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुराज रेसिपी। वेज चाउमीन, हक्का नूडल्स, फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, सुपर क्रिस्पी वेज मंचूरियन, ये सब रेसिपी हमने पहले देखे। रेसिपी अगर आपको देखनी है तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो आज हम बना रहे हैं गोभी मंचूरियन। जी हाँ, गोभी का मंचूरियन, फुल गोभी का मंचूरियन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, फुल गोभी है ना, फुल गोभी के ऐसे फ्लोरेट्स कट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, पानी, और नमक वाले पानी में ना ये फुल गोभी हम एक 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि उसमें अगर कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, कुछ डर्ट हो, तो वो निकल जाए। तो ये 10 मिनट के लिए नमक वाले पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के लिए गोभी मैंने नमक वाले पानी में रखा था, अब हमें क्या करना है, ये पानी पूरा हम निकालेंगे और ये गोभी है ना अच्छे से वॉश कर लेना है। अब ये पूरा अच्छे से रिंस किया हुआ गोभी हम निकालेंगे वापस एक बोल में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और नमक, और ये मसालों के साथ अच्छे से कर लेना है टॉस। टूथपिक था पहले फोकस लगाने के लिए, ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करती हूँ, प्लीज़ इग्नोर, रह गया गलती से। मसाला अब अच्छे से टॉस होने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मैदा, और वापस एक बार इसे मैदे के साथ टॉस कर लेंगे। ये स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि हम जब ये गोभी बैटर में डिप करेंगे ना, तो ये मसाला चांसेस है कि वो पूरा बैटर में ही घुल जाए, तो वो स्टेप अवॉइड करने के लिए हम मैदा ये ऊपर से ऐसे डालकर टॉस करेंगे गोभी को, ताकि मैदे का एक कोटिंग आ जाए और वो मसाला जो हमने यूज़ किया है वो इंटैक्ट रह जाए गोभी के साथ। तो ये 2 स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। तो ये गोभी मैदे के साथ अच्छे से मैंने टॉस कर लिया, आप देख सकते हैं मैदे और मसाले का बहुत अच्छा कोटिंग इसमें आ गया है। अब लेंगे एक बोल, और बोल में हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, सेम प्रोपोर्शन में कॉर्नफ्लोर, नमक फॉर टेस्ट, और कुटी हुई काली मिर्च, ये करेंगे मिक्स। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम गाढ़ा घोल हम इसका बना लेंगे, बिल्कुल भी पतला घोल नहीं बनाना है, गाढ़ा, एकदम गाढ़ा घोल बना कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेना। अब ये बैटर बनकर है तैयार, और आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा सा बैटर मैंने बनाया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये गोभी जो हमने मसाला के साथ कोट कर ली है, और ये गोभी भी कर लेंगे बैटर में कोट, और अब ये जाएगी तेल में। तो तेल यहाँ पर अच्छे से गरम मैंने कर ली है, अब इसमें डालेंगे ये गोभी जो हमने ना यहाँ पर अच्छे से कोट कर लिए है। सुपर, अब इसे कर लेंगे डीप फ्राई, जब तक कि इसे ना अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आता तब तक। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो एकदम गोल्डन एंड क्रिस्पी होने तक मैंने ये गोभी मंचूरियन फ्राई कर लिए हैं,
अब निकाल लेते हैं इसे टिश्यू पेपर पर। देखिए तो आप देखिए ऑलरेडी सुपर क्रिस्पी लग रहा है। अब इन्हें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। अब सेम ऐसे ही हम सब मंचूरियन फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको है ना इसका क्रिस्प भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और सुपर सुपर क्रिस्पी। यहाँ पर इंडक्शन का नॉइस है लेकिन फिर भी आप देखिए सुपर क्रिस्पी बन जाता है। चलिए तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर देखिए ये गोभी ना अच्छे से कुक हो चुका है और ये मसाला का लेयर भी देखिए अंदर लवली मसाला का कोटिंग। गोभी फुल गोभी अच्छे से फूल चुका है और ये क्रिस्पी लेयर लवली। तो सब मंचूरियन मैंने फ्राई कर लिए। देखिए है ना सुपर क्रिस्पी। अब बनाते हैं इसका मसाला। चलिए अब इसकी बना लेते हैं ग्रेवी। तो यहाँ पर तवे में मैंने तेल गरम कर लिया है 2 चम्मच। इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। और ये दोनों है ना बस हल्का सा टॉस करना है 30 सेकंड के लिए, बहुत लंबे समय तक नहीं, जस्ट मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आपको चाहिए आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स ये सब सब्जी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल सॉस सिंपल ग्रेवी बना रही हूँ। अब ये और 1 या 2 मिनट के लिए भून लेना है। चलिए ये भी अब बस 2 मिनट ही भून चुका है ये प्याज। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये भी कर लेंगे मिक्स। और अब सॉसेस, तो सबसे पहले सोया सॉस 1/2 चम्मच, शेजवान सॉस या फिर चिली सॉस 1 बड़ी चम्मच, टोमेटो सॉस 1 बड़ी चम्मच, ये कर लेंगे मिक्स। सुपर, कितने अच्छे से सिजल हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें डालेंगे पानी और इसका ये जो स्लरी बनाएंगे, और ये स्लरी है ना ये स्लरी हम डालेंगे इस सॉस में, तो क्या होगा ये नाइस एंड गाढ़ा बन जाएगा और कोटिंग बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। नमक मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये सॉसेस है, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, इसमें ऑलरेडी नमक रहता है यार, तो सॉस में अवॉइड कर नमक में अवॉइड करती मोस्टली चाइनीज़ फूड में। सॉस बढ़िया से हमारा बनकर है तैयार। अब इसमें डालेंगे ये गोभी वाले मंचूरियन और ये सॉस में कर लेना है टॉस। और चलिए हमारा ये गोभी वाला मंचूरियन बनकर तैयार है। अब गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, स्प्रिंग अनियन भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए ये बहुत सुपर क्रिस्पी जूसी गोभी मंचूरियन ज़बरदस्त दिख रहा है। रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुरा रेसिपी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक की मधुरा रेसिपी।